बाकी की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म होने के बाद विधायक अमीन कागजी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तय समय पर ही होंगे छात्र संघ के चुनाव, चुनाव की तारीखों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। छात्र संगठन से जुड़े कई बिंदुओं पर भी चर्चा हुई इस बैठक में और छात्र संघ चुनाव प्रत्याशियों की योग्यता और छात्रों के मताधिकार को लेकर बैठक में चर्चा की गई। सहयोगी ललित इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं। ललित, तारीख को लेकर ही लगातार विरोध किया जा रहा था और स्पष्ट कर दिया गया कि तारीख नहीं बदलेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव की तारीखों को लेकर अब जो सिंडिकेट सदस्य और विधायक अमीन कागजी, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तय समय पर ही छात्र संघ चुनाव आयोजित होंगे। इसको लेकर जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसके साथ ही जो छात्र नेताओं की योग्यता हो उनकी, चाहे मतदान की, इसको लेकर भी सिंडिकेट की बैठक में चर्चा हुई है और थोड़ी देर में सिंडिकेट की बैठक के जो बिंदु हैं उनको जारी किया जाएगा। यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जिन मांगों पर सहमति बनी थी उन मांगों पर भी सिंडिकेट में वार्ता हुई है, लेकिन ये वार्ता थोड़ी सी नकारात्मक रूप में भी देखी जा सकती है, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा जो सिंडिकेट के सदस्य हैं उनके द्वारा उस वार्ता पर सहमति नहीं जताई गई है। तो ऐसे में अब इंतजार है कि जो सिंडिकेट की मीटिंग है उसके पॉइंट्स क्या बाहर आते हैं, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। क्योंकि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता मुलाकात करने गए थे, वो सिंडिकेट की बैठक की बातों को जानना चाह रहे थे, तो इस दौरान उनमें झड़प हो गई थी और पुलिस प्रशासन द्वारा एबीवीपी के कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया था। ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है कि सिंडिकेट के बिंदु कब बाहर आते हैं और किन किन मांगों पर सहमति और किस मांगों पर असहमति बनी, उसका खुलासा थोड़ी देर में हो जाएगा। अच्छा लाले, दर्शकों के साथ मैं चाहूंगी आप दो बातें साझा करें, दो सवाल आपसे मेरे रहेंगे। पहला सवाल तो कि ये कहा जा रहा था छात्र नेताओं की ओर से कि भाई प्रवेश प्रक्रिया है ताकि स्टूडेंट के जो एडमिशन हो जाएं उसके बाद क्या होगा कि जो वोटिंग प्रोसेस है उसको सही तरीके से की जा सकती है। पहली चीज तो जाऊंगी इसको लेकर आप जानकारी साझा करें कि आखिर इसको लेकर क्या कुछ प्रारूप तैयार किया गया है प्रशासन की ओर से, और दूसरी चीज ये कि अब छात्रों को क्या रुख रहेगा। जी बिल्कुल, सोमवार की हम जिक्र करेंगे। सोमवार को जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मांगों पर सहमति बनी थी, तो एक मांग पर सहमति बनी थी, उसका विरोध एमएचयूआई की ओर से भी देखने को मिला था। ये मांग थी कि जो जितने भी छात्र हैं उनको जो पीजी में प्रवेश के लिए आवेदन किए हुए हैं उसमें से जो संगठक कॉलेज हों, महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज, उन छात्रों को मतदान का अधिकार रहेगा। संगठक कॉलेजों के अलावा यदि किसी छात्र ने, अन्य किसी कॉलेज के छात्र ने जो यूजी से पास होकर पीजी में प्रवेश के लिए आवेदन किया है उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। हालांकि ऐसे छात्र नेताओं को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। ऐसे में अब सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि कोई छात्र नेता यदि वह चुनाव लड़ रहा है तो ऐसे में क्या वो अपना वोट नहीं डालेगा। दूसरी ओर यदि उनको वोट का अधिकार दिया जाता है तो ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र नेताओं के चुनावी मैदान में खड़े होने की जो समस्या है वह खड़ी हो सकती है। कौन कौन से बिंदु निकलकर सामने आएंगे इस बैठक के बाद जो कि आपने शुरुआत में जिक्र किया था ललित, वो हमसे आपसे जानेंगे। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।